Jungle. मनपा द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में डेढ़ दिन के गणपति का बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जन। मलटपुरो स्थित ग्वासाली मैदान में कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। इस तालाब को बनाने का संकल्प स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 4 साल पहले किया था। कृत्रिम तालाब को पहली बार उक्त स्थान पर 4 साल पहले बनाया गया था। इस कृत्रिम तालाब से इलाके के सभी गणेश भक्तों को लाभ मिल रहा है। पहले पुरार परिसर या उसके आसपास के गणेश भक्तों को आर्य कॉलोनी या मारे बीच पर ले जाकर बप्पा की अंतिम विदाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल करीब में बने इस कृत्रिम तालाब का लाभ सभी को हो रहा है। स्थानीय नगर सेविका धनश्री भरटकर और तालुका अध्यक्ष वैभव भरटकर के अथक प्रयत्नों से इसकी रूपरेखा सजाई गई है। डेढ़ दिन के गणपति विसर्जन के लिए यहाँ हजारों भक्त ने अपनी हाजिरी लगाई। इनकी कई प्रकार की सुविधाओं का ख्याल स्थानीय जनप्रतिनिधि धनश्री भरटकर और वैभव भरटकर के नेतृत्व में किया जा रहा है। यह सेवा लगातार विसर्जन के दिनों में जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। ये हम लोग ने कृत्रिम विसर्जन तालाब बनाया है, जिससे पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, लोगों की भावनाएं, लोगों की श्रद्धा, इसकी भी कदर हो, और गणेश हमारा जो गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है बड़े प्यार से पूरा हो। उसके साथ सुरक्षा की सारी प्रणालियां यहां पर उपस्थित है। महानगर पालिका के सर्व कर्मचारी SWM हुए, मेंटेनेंस वाले हुए, आरोग्य खाता वाले हुए, सब यहाँ पर उपस्थित है। लोगों की पूरी सेवा कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे अपने एरिया में बहुत काफ़ी आर्य कॉलोनी है, मलाड में है, तो लंबे है, उसके लिए ये कुछ ये बहुत लोगों को पहले विसर्जन को जाकर रात को आने के लिए दो दो तीन तीन चार चार बज जाते थे, और आर्य कॉलोनी में इतनी भीड़ रहती थी, लोगों को जाने में ट्रैफिक जाम, बहुत सारी समस्याओं को सामना लोगों को करना पड़ता था। पर अभी ये कृत्रिम तालाब होने की वजह पीछे 2-3 सालों से लोगों को बहुत अच्छी राहत है, और लोग यहाँ पे बड़े दिल से 200 से 400 गणेश विसर्जन यहाँ पर हर 5-6 दिन में हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के सब। स्थानिक लोगों का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? बोल रहा हूँ ना, अगर सार्वजनिक गणपति भी 200-300 अगर विसर्जित यहाँ पर हो रहे तो बहुत बड़ी बात है। आज लोग आके उसमें खुद सम्मिलित हो रहे हैं, लोगों को अच्छा है, इतनी सारी सुविधा है। हम लोग एक पर्यावरण स्नेही करके उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों के नाश्ते की बंदोबस्त है, हर चीज़ होने के लोग खुश हैं। और यहाँ पे जो स्थानिक पुलिस वाले का कितना सहयोग है, ट्रैफिक पुलिस का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? हमारे स्थानिक पुलिस दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। पिछले 2 दिन पहले से पुलिस बंदोबस्त 2 दिन पहले से यहाँ पर है। ट्रैफिक की उन्होंने अच्छी तरह से अभी तक कुछ भी, आप भी आते समय देखे रहेंगे, यहाँ पर कोई किसी तरीके का ट्रैफिक नहीं है। पार्किंग की पीछे ग्राउंड में व्यवस्था की गई है, उसके वजह से बहुत सारी ट्रैफिक की और पुलिस वालों का तो बहुत अच्छा इसमें सहकार्य है। तो ये कितना साल से स्टार्ट किया है और कितना मतलब चले गए? पिछले 4 साल से चल रहा है यहाँ पर।
बहुत अच्छी तरीके से चल। और हर साल में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, हर साल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। गणेश विसर्जन यानी जो विसर्जन होने वाली मूर्ति है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी। मूर्ति के हाइट के बारे में यहाँ पर 3.5 से 4 फीट तक लास्ट मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं, उससे बड़ी मूर्ति हम लोग शांताराम तालाब अपने बाजू में है वहाँ पर करने का लोगों को सुझाव करते हैं।